भाई लबा लब दूध हुआ वे। ये देखें भाई हमारी बकरी साहब कहाँ फंस गई है घोड़ों से डर के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है भाई आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई फार्म पे एक बार फिर आज हाज़िर हैं आपके साथ न्यू वीडियो लेकर। तो भाई आज जो हमारे पास मेहमान आए ना उनसे आपको मिलवाते हैं, बहुत ही कॉमेडी किस्म का कंटेंट बनाते हैं वो और बहुत नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बनाते हैं। आज हमारे पास आए बछड़े लेने के लिए और वीडियो आज की शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं ना वो सब्सक्राइब कर लो फटाफट और लाइक कर लो और कॉमेंट्स में बताओ काम कैसा लग रहा है। चलो भाई। अच्छा भाई मैंने आपको बताया था आज हमारे पास ऐसे मेहमान आए, कॉमेडी से करते हैं दो दो हाथ और नाम है इनका मिश्कात। क्या बात है भाई। तो मिश्कात भाई हमारे फार्म पे आ चुके हैं, अभी आज ये लेंगे बछड़ा जी। तो आपको कैसा बछड़ा पसंद है मिश्कात भाई? यार वैसे तो मुझे सारे पसंद आ रहे हैं। अच्छा, ये मेरा दिल चाह रहा है सभी उठा लूं। अच्छा अच्छा, लेकिन ये कि बंदे को अपनी रेंज देख के लेना पड़ता है। तो ये कि जो आपका कलंदरी है ना, कलंदरी वो मुझे प्यारा लगा। लाल कलंदर? लाल कलंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। वैसे तो ये सबसे प्यारा तो ये लग रहा है, लाल चिट्टा शेर। और ये वाला कौन सा शेर? लाल शेर। लाल शेर। अच्छा, ये तो बहुत हेवी है, थोड़ा रेंज से आउट है। लेकिन ये कि राफे भाई के फार्म पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कम रेट पे आपको अच्छा जानवर मिल रहा है। तो सुना भाई आप लोगों ने, कम रेट पे यहाँ पर अच्छा जानवर मिल रहा है। तो जल्दी से आ जाओ और आके बछड़े ले लो और देख लो कुर्बानी के लिए। हमारे पास पलाई की सर्विस मौजूद है मिश्कात भाई। तो हम ऐसा करते हैं ना, जो कुर्बानी तक शौकीन होते हैं वो हमारे पास रखवा देते हैं, तो हम उनको बछड़ा पालते हैं कुर्बानी से 10-15 दिन पहले, जो उनका शौक होता है वो पूरा कर लेते हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं, आप भी हमारे पास पलाई पे रखवाना चाहेंगे या फिर कहीं और ले जाना चाहेंगे? नहीं देखिए, असल में कराची में ना जगह तो कम होती है, आपको पता ही है। ऐसी बात तो है। ये कि घर में तो अगर मैं लेके गया अम्मा तो घर से निकाल देंगी। अच्छा, बदबू करते हैं जानवर। तो ये कि मैं आपके पास ही छोड़ के जाऊंगा। अच्छा, हर महीने का पलाई का आप मुझसे ले लीजिएगा। बिल्कुल चलें। अब पलाई कैसी लगी आपको बछड़ों की? पलाई माशाल्लाह से बेहतरीन है और जो सेहत बता रही है बछड़ों की, सेहत बता रही है। और असल बात ये है कि अक्सर लोग ना पलाई ऐसी कराते हैं कि बछड़ों को खिलाते तो हैवी होते हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं होते। सही, आपके जो बछड़े सबसे बड़ी बात मुझे एक्टिव भी लगे। अच्छा, एक्टिव बछड़े हैं, मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थोड़ा हिलजुल कर रहे हैं, जो लग रहा है बछड़ा है। ये सही नहीं सही 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 साहब है। बिल्कुल। तो भाई मिश्कात भाई का भी ब्लॉग आएगा AR कैटल फार्म के हवाले से, तो मिश्कात भाई के चैनल पे भी जो लोग हैं वो भी देखें उस व्लॉग को और बताएं उनको पलाई कैसी लगी। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं कहूँगा कि भाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ सब लोगों को, मेरी ऑडियंस को, कि यहाँ पर आएँ, विजिट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब बछड़ा आप लेके जाएंगे, अच्छा बछड़ा और मुनासिब बछड़ा लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल चलें। तो वीडियो आज की शुरू करते हैं और देखते हैं आज हम आपको क्या क्या करवा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग भी करेंगे आज भाई। मैंने देखा हॉर्स राइडिंग जो है ना आपके एक बंदे गिरे हुए हैं। असल में वो नादा है। अच्छा, वो अभी ना बछेरी है 2 साल की, उस पर पहले कभी भी सैडल नहीं लगा। आप कौन सी में कराएंगे? हम जो ट्रेन घोड़े ना हमारे पास उस पे आपको हॉर्स राइडिंग करवाएंगे। सही है। गिर गए तो कैसा लगेगा? गिर गए तो बस कंटेंट निकल जाएगा, घोड़े से गिर गए व्यूज आएंगे। चलो शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। भाई हाँ, कंट्रोल कर लूंगा ना मैं। कोशिश करेंगे लेकिन छोड़ दे आप से ना, मुझे लग रहा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। अबे यार ये तो गलत बात की आपने यार, ये मुझे चैलेंज कर दिया। तुमसे ना होगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, ये तो आपने वो बोल दिया ना। लेकिन अब आपने बोल दिया ना, अब मैं करूंगा। अब तसल में आ गई है बात। तसल लगा ले। सही है, छूट गया तो ठीक है, खोले खिलौना खोले, नहीं छूटेगा, आप नहीं पकड़ पाओगे। इन्होंने भी कहा है तुमसे ना हो पाएगा, ये भागे यार, आपका भाई इंशाल्लाह कंट्रोल करेगा, कर लेगा ना भाई। हां आपका कंट्रोल करो है, कह रहा जवान लड़का कर लेगा यार। बोला था ना मैंने भाई, मैंने मिश्कात भाई को बोला था ये बछड़ा आपसे कंट्रोल नहीं होने वाला, वो देखें। और अभी अभी बछड़ा भागा, अभी वापस कोशिश कर रहे हैं ये पकड़ने की, देखते हैं। मैं पकड़ लो मिश्कात भाई, वैसे पकड़ने के शौकीन हो। अरे भाई भाई, अरे भाई बस भागना नहीं है, भागना नहीं है बिल्कुल। ओ भाई ये मुझे डर लगता है, मुझे ना उड़ा दे। कितने का है? इधर आ, इधर आ।
ये देखो भाई, मैंने तो बोला था इनको नहीं होगा कंट्रोल, लेकिन ये जबरदस्ती कर रहे हैं, बोल रहे नहीं होगा, ईगो हर्ट हो रही है मेरी। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अच्छी कोशिश चल रही है इनकी, देखते हैं। जवान लड़का यार, हम भी जवान है, क्या हो गया, मसले की बात थोड़ी है भाई, चुल्ली बस यार। वैसे माशाल्लाह से बहुत प्यारा यार। अच्छा बहुत लेके जाओ उधर। हाँ लेके जाएं, वापस आएगा भाग के इधर। असल में मसला ये है कि ये जो ना अपने बछड़ों के पास जाना चाह रहा है। हाँ ये बोल रहा है मुझे मेरी जगह रहने दो। कंट्रोल तो कर लिया मिशकात भाई ने माशाल्लाह थोड़ा बहुत। अच्छा में बड़े हो जाते हैं, छोटे नहीं होते। सुखड़े जाते हैं सर्दियों में। हाँ सुनो भाई, पकड़ोगे काट। ओए ओए ओए, आ जाओ शाबाश। माशाल्लाह से कंट्रोल कर ही लिया आखिरकार आपने ना। दो बार रस्सी छुड़ाई आप। शुरू में तो भागता है ना। हाँ जब आप शादी भी करो तो लड़की कंट्रोल में थोड़ी आती, आहिस्ता आहिस्ता आती है ना यार। ये देख रहे हैं भाई, मिशकात भाई फिलहाल ना वो बछड़े घुमा रहे हैं यहाँ पर। और कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत मज़ा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन। अच्छा और माशाल्लाह से आपके जो जानवर है ना यार, बहुत, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद जानवर देखने, कुर्बानी में देखते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो अलग ही लेवल के देख रहे हैं। अच्छा स्पेशली जो ये चिट्टा शेर जो लाल शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त जानवर है। अभी एक आपने बछड़ा मिस कर दिया, अगर आप थोड़े दिन पहले आते ना आपको मैं दिखाता नांगा पर्वत। नांगा पर्वत इनसे भी बड़ा था वो भाई। लाल कलंदर का सौदा चल रहा है मिशकात से, तो इसको ना आज देना है, कुछ भी हो जाए भले कितने का भी मांगे इसको देना है। टाइट वाला आ गया पसंद। टाइट वाला? हाँ टाइट वाला। बस उसकी तारीख मसूद कहते हैं ना, खानदानी चीज़ है। खानदानी, बस ये खानदानी जानवर लग रहा है माशाल्लाह से, और बहुत जान है इसके अंदर, सुभान अल्लाह। तो राफे भाई जी, गाय हमारे सामने है, अब सौदा बनाए, आमने सामने हम खड़े हैं, अब सौदा बनाए। कितने का बोल रहे हैं? बस ये कितने के जाओगे? कितने का बोल रहे हैं आप? कितने का चाह रहे हैं चलें आप बताएं। लेकिन मैं आपको एक सौदे का रूल बताता हूँ, जब सौदा नहीं बन रहा होता ना तो कान में बात करते हैं, आपको पता होगा, कान में बात करेंगे बन जाएगा ये। आप अपना बताएं, स्टार्ट करें, फिर मैं अपना बताता हूँ। भाई कितने का बोल रहे हैं? ये मैं बोल रहा हूँ 6.5 लाख रुपये का। 6.5 लाख तो ज़्यादा बोल दिया यार आपने। कहाँ ज़्यादा है, इसको देखो तो सही। बोलो भाई, हमारी जितनी रेंज है उतने में दे दो भाई यार, रेंज आपका भी फायदा करवा देंगे यार। देखो रेंज बढ़ाओगे ना आपका बहुत फायदा हो जाएगा। रेंज क्यों बढ़ाएं हम, हमारी रेंज नहीं है इससे भाई, फाइनल बोलना 4.5 में दे दो भाई। अरे यार इतना बड़ा बछड़ा कहाँ से मिलता है 4.5? 4 लाख रुपए ना। अच्छा मैं कर लूंगा, चले 50 आपको मैं उधार पे दे दूंगा, आप पूरे दे दूंगा। सीन नहीं होता यार, फिक्स कर लो, फिक्स 5 लाख। जादू है जो लेता है गायब हो जाता है। हाँ ये बात तो है। तो बताए ना यार कुछ ऊपर करें। चले आप एक काम करें जी, ना आपकी ना मेरी। अच्छा 5.5 लाख रुपए। 5.5 लाख की स्पेनिंग क्या है? उर्दू में इंग्लिश में जिसमें अरबी में। 5 लाख का दौर खत्म करो यार, लाखा पर नहीं के दो मारो। मजा का था। राफे भाई इधर है, राफे भाई इधर है। पांच कर ले सही है। नहीं नहीं नहीं, अबे यार बस कान में बात हो गई ना राफे भाई, छोड़ दो 10 कम। अबे यार सुनो भाई, कुछ कान में बोलो यार, आप कुछ कान में बोलो लोग। ठीक है ना, मशहूर हो जाओगे, समझा करो। 5 का दे दो, मशहूर कर देगा ये बंदा। अच्छा। ठीक है ना, और डेली व्लॉगिंग करना, और किसी डॉक्टर से शादी करो और मशहूर हो जाओगे, और उसको गला गिफ्ट दो। ठीक है ना, ना आपकी ना मेरी। 5.30 आज पे दे दो, डॉक्टर में ला रहा हूँ ना। 10 भी नहीं पढ़ाओगे? 10 भी नहीं पढ़ाओगे? अबे यार एक राफे भाई, सीधा सीधा 5 है, 5 से चलो ठीक है। सही है, हो गया, सौदा हो गया भाई। मुबारक हो राफे भाई, मुबारक हो यार आपको। तो भाई सीन ये है कि 5 लाख में डन हो चुका है, और राफे भाई पलाई तो आप करेंगे ना, आपकी तरफ से होगी ना पलाई? पलाई के चार्जेस है क्या? पलाई के अलग चार्जेस? पलाई के तो चार्जेस देने पड़ेंगे ना। मैं कैसे पलाई के महीने के कितने होते हैं? महाना इसके मैं आपसे लूंगा 35,000। 35 एक महीने के? एक ये 5 लाख ऐसे रिकवर हो जाएंगे फिर? अबे तो यार कुर्बानी में कितने महीने बाकी हैं? चार महीने। कितना बनेगा 35 के हिसाब से 4 महीने का? सुनो 1,40,000।
140,000 मतलब ये 640 में बन जाएगा पूरा जानवर। और ऐसा मिलेगा नहीं आपको पूरी मंडी में 640 का। अच्छा, ये तो आप भी जानते हैं। इससे बड़ा होगा ना ये तो। अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो बनेगा बछड़ा, अभी खुलेगा, अभी गोला उतार रहा है, देख बानी का टाइम आएगा। अच्छा ये ब्राह्मण का क्रॉस है, ये भी मैं आपको बताऊं। अच्छा ये नॉर्मल चोलिस्तानी ब्रीड नहीं है, ब्राह्मण की क्रॉस ब्रीड है। बंदे को ना क्रॉस का बहुत शौक है, गधे घोड़े सब इसने यहां क्रॉस किया हुआ है। सुनो भाई आप भी तो क्रॉस ही हो ना यार। हम क्रॉस नहीं है। तो भाई सीन ये है कि माशाल्लाह से कलंदरी हो चुका है हमारा। अच्छा भाई तो फाइनली मिश्कात भाई से हमारा सौदा हो गया है, और मिश्कात भाई बताएंगे कैसा सौदा हुआ। माशाल्लाह से भाई हमने तो मंडी लूट ली है ना। आपने भाई इन्होंने लूट लिया मुझे अच्छी तरह से। लेकिन खैर मैंने बोला था शौकीनों को शौक पूरा करवाऊंगा, तो मैंने करवाया भी है। तो भाई अभी ये बछड़ा मिश्कात भाई का हो चुका है माशाल्लाह से। आप चेक करें काफी बड़ा बछड़ा है जी। और ये कितने दांत का ये भी चार दांत का बछड़ा है, और माशाल्लाह से मतलब बैल बन गया ना पूरा ये। अभी तो और भी इसमें बहुत गुंजाइश है। अच्छा सही जी। तो अभी जो है ना कुर्बानी तक बता रहे हैं और ज्यादा बड़ा होगा। बिल्कुल ये कुर्बानी पे अच्छा खासा वजन गेन करेगा, अपनी बैग बनाएगा और बाकी पूरा रेडी होगा। तो ये तो के यहीं पर मैंने पलाई के लिए छोड़ दिया, इंशाल्लाह यहीं पर पलाई होगी, कुर्बानी में आपका भाई उठाएगा और इंशाल्लाह इसको कुर्बान करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई मिश्कात भाई का बछड़ा हो गया है, मिश्कात भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अभी आप क्या करा रहे हैं हॉर्स राइडिंग? अभी हम आपको, मेरा भाई आ गया है, अभी हम आपको करवाएंगे हॉर्स राइडिंग। ओए होए आपका भाई भी हॉर्स वैसे टाइट चलाता है। अच्छा आता है, चले आज देखेंगे कौन ज्यादा टाइट चलाएगा। सही है। अभी हम कर रहे हैं हॉर्स राइडिंग की तरफ, हम जा रहे हैं, अभी सभा को रेडी कर रहे हैं, उसके बाद मिश्कात उस पर राइड करेगा। तो देखते हैं कैसी राइडिंग करता है। बोल रहे हैं कि मुझे आती है, तो देखते हैं कैसी राइड करते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। इसका क्या नाम है? सभा। सभा हमारे नबी के घोड़े का नाम था सभा। अस सभा। और आप चेक करें कितना लंबा घोड़ा है यार, मेरी हाइट से भी ऊंचा है। बैठो। ये वाला पांव आगे से ऐसे करके इसमें डालना है। पीछे नहीं जाएगा। इधर रखो पैर इसमें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई। फुल बिटका है भाई। बॉर्डर लग रहा है। अब नहीं मारेगा, आप चढ़ जाएं। कर दूं पक्का? हां हां जंप कर दें फौरन। इसमें वो वाला पांव रखिएगा जो इसी तरफ रहे। अच्छा घूम जाएगा ना मसला। हाँ, ये वाला वो वाला पैर डालो। ये अरे साईं यही पांव है। बस खत्म हो गया मसला। सामने से आओ। सुनो भाई ये डिसबैलेंस है थोड़ा सा, पहले ही हो जाएगा भाई। देखें चढ़ गए फाइनली। पेंशन वालों को ये भी नहीं भाई। ये देखें मिश्कात साहब ऊपर चढ़ चुके हैं, और इनका दिल ना बहुत तेज से झुड कर रहा है। पहले जैसे मैं घोड़ा चलाता था ना, नहीं अल्लाह ना करे आखिरी घूंट हो, पहले भाई मैं भी घोड़ा चलाता था ना मिश्कात भाई, मुझे ऐसा डर लगता था कि यार आज मैं शायद गिर जाऊंगा। मैं 4 बार गिरा। अच्छा। उसके बाद मेरा डर खत्म हो गया। मिश्कात अभी घोड़े पे है, और आप लोग बताएं देख के वीडियो कि क्या लगता है मिश्कात घोड़ा चला सकेगा या नहीं। देखें अभी तक तो अच्छा चला रहा है मिश्कात, काफ़ी अच्छा घोड़ा चला रहे हैं। तो अभी तक तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा घोड़ा चलाया मिश्कात भाई ने, और अच्छा लगा इनको देख के। देखें ये तो हर बंदे को ये चीज़ आनी चाहिए, क्या बोलते हैं मिश्कात भाई? बड़ा मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा घोड़ा ना वहाँ से खुद भागता आ रहा है खुद। जी हाँ। तो इसको ऐसे पकड़ लो, मसला तो नहीं है ना? नहीं ये देखें लगाम है आपके हाथ में फंस गई ना, तो इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर एकदम घोड़ा ऐसे चलाए, एकदम आपने छलांग मारने की कोशिश की, हाथ ऐसे ही रह जाएंगे, पता लगे आप ऊपर ही दुआ मांगते रह जाएं। ये देखें भाई हमारी बकरी साहब कहाँ फंस गई है घोड़ों से डर के। अभी इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं भाई, फंस गई है बेचारी घोड़ों से डर के यहाँ पर। इधर आ भाई, यार ये कहाँ फंसी है, ये यहाँ से नहीं निकलेगी, इसको यहाँ से ही निकालना पड़ेगा जहाँ से घुसी है। इधर से बाहर से घुसी। हाँ ये बाहर घूम रही थी ना, बाहर से घुसी है। शुक्र है देख लिया इसको, वरना तो यहीं फंसी रह जाती बेचारी। ठीक आ ले जाओ उसको, निकल गए भाई हमारी चुलबुली बकरी। अरे
फाइनली भाई हमने हमारी बकरी निकाल ली। ओ सामने मिश्कात और शाफे लगे हुए। मिश्कात भाई कैसी लगी आपको सभा की राइड? सर माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन राइड है। अच्छा ये घोड़ा ना अपनी मर्जी से चल रहा है। अच्छा इसको एक ट्रैक मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसका बनाया बिल्कुल, लेकिन ये कि घोड़े को बताना पड़ता है कि आप जो है ना घोड़ा आपकी मर्जी से चलेगा। बिल्कुल आप घोड़े की मर्जी से नहीं चलोगे ये बताना पड़ता है। बिल्कुल घोड़ा कोशिश करता है इंसान को ना डराए। बिल्कुल कि मैं इसको लेके भाग जाऊंगा। इंसान की जिम्मेदारी है कि कॉन्फिडेंस से घोड़े को चलाना। बिल्कुल सही। और आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा घोड़ा चलाया। आपके भाई ने भी अभी तारीफ की, बोल रहे हैं आज तक जितने लोग आए सबसे बेस्ट आपने। आज तक जितने भी मेरे गेस्ट आए ना सबसे बेस्ट आपने चलाया घोड़ा। अच्छा भाई मिश्कात भाई ने बहुत नेक्स्ट लेवल की राइडिंग की है घोड़े पे, तो इनसे पूछते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। और मुझे लग रहा है ये बहुत घोड़े चलाए आपने। हाँ नहीं यार घोड़े नहीं चलाए, लेकिन असल चीज ना कॉन्फिडेंस होती है। सही है। मैंने कम से कम जिंदगी में 2 या 3 मरतबा घोड़े चलाए बस। अच्छा अच्छा। वो भी सीवीओ वाले एक बार चलाए थे सही। एक बार यूडीएफ में चलाए थे, कडल फार्म था उसमें चलाए थे, और एक और बार अभी मैंने सुल्तान चलाए थे दानिश भाई के। सही 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 सही। ये चौथी बार मैं घोड़ा चला रहा हूँ। अच्छा तो ये है कि आपके घोड़े माशाल्लाह जो कहते हैं ना फुल सपोर्टर वाले नहीं होते वो वाले घोड़े हैं, और फुल मतलब अगर आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो ये लेके निकलेंगे। लेकिन ऐसे ही घोड़े मजे के होते हैं, वो जो सीवी वाले घोड़े होते हैं ना वो अपने राउंड पे जाते हैं वापस आते हैं उसी स्पीड से, मजा नहीं आता उसमें। ऐसे ही घोड़े हो ना कि आप उनको छोड़ो तो भागे। ये भाई मुझे भाई आज ये फर्स्ट टाइम मिश्कात भाई पीने वाले भैंस की खीस, तो देखते हैं। ये बंदा है ना, ये इसका नाम है सोनू भाई। यार ये ना बहुत इंसान है। नहीं ऐसे बताया ना, अच्छे आरामी इंसान अब लग रहा है। ये वो कांजा देखा आपने, क्या बोलते हैं उसको, उसको संजय दत्त ना। हाँ हाँ हाँ। क्या नाम, कांचा ही तो था वो। कांचा ये देखें, कांचा बने हुए फुलिये माशाल्लाह। मिश्कात भाई रेडी है दूध पीने के लिए, और फर्स्ट टाइम वो भैंस का दूध पी रहे हैं। सांस भी नहीं लेने दे रहा ये तो। नाजिन आप देख रहे हैं भैंस का सुतेला बेटा दूध पी रहा है। माशाल्लाह भाई लबालब दूध हुआ वे। क्या बात है भाई, क्या बात है, अल्लाह के खजानों में से दूध पिया जा रहा है। आ हा 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 हा। बच्चा भी बोल रहा है मुझे पीने दो। बच्चा भी बोल रहा है मेरा हक मार रहे हो। आ जाओ बेटा तुम भी पी लो, आओ पियो, तुम पियो, आ जाओ पी लो पी लो पी लो, कुछ छोड़ दो छोड़ दो, पीने दो, जाओ जाओ पियो। अबे ये बोल रहा था नापाक हो गया, अब मैं नहीं पी रहा। वो बोल रहा है यार मैं सगी औलाद था या सुतेला बेटा कहां से आ गया। या मरहबा या मरहबा, बस ये लात ना मार दे। देश भी बोलिए कौन बच्चा आ गया आज, सारा दूध पिया जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा भाई, सुबह मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। काश मैं भी दूध दे सकता। हा 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 हा। चल बेटा तू पी ले, चल बेटा जा पी ले। भाई मिश्कात भाई ने पी लिया दूध। अच्छा भाई तो आज मिश्कात भाई ने किया एडवेंचर, इन्होंने बछड़ा भी खरीद लिया, इन्होंने हॉर्स राइडिंग भी कर ली, इन्होंने भैंस का दूध भी पी लिया, वो भी बच्चे का हक मार के। अच्छा ये खीस थी जो इन्होंने पी, तो भाई इनके साथ बहुत मजा आया फार्म पे, और बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यार। हम भाई से मिलके बिल्कुल खुशी नहीं हुई, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बस भाई सुनो भाई ले लिया तो भाई हमें भी बहुत ज्यादा मजा आया राफे भाई, आपने जो हमारा आपने हमारी मेहमान नवाजी की, अभी तो खाना खिलाना बाकी है, तो खाना बाकी है भाई, अभी तो मजीद चलता रहेगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि यार राफे भाई बहुत अच्छे आदमी है, ये कि कंटेंट भी अच्छा बनाने अभी स्टार्ट किया उन्होंने, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तो ए आर कैटल व्लॉग्स को आप सब्सक्राइब करें लाजमी, और मजे मजे के व्लॉग आपको इस फार्म के देखने को मिलेंगे। तो भाई देखते रहें वीडियोस और लाइक करें सब्सक्राइब करें, और मिश्कात भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जो लोग ने अभी तक नहीं देखा, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी ने ना देखा, जिन्होंने भाई नहीं देखा वो लोग भाई देखें और सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इन जैसे लोगों से परहेज करें। क्यों मैं आपके जेब कतरों से होशियार रहे, आपका मोबाइल निकल चुका है पता है, वो देखें। अबे मोबाइल निकाल लिया सुनो भाई, राफी भाई का मेरा मोबाइल निकाल, मोबाइल निकाल दिया भाई मैंने इस बंदे का। चले भाई इनसे मोबाइल लेते हैं और अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।